नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई राजस्थान के कुछ बंदे विदेशों से आ रहे हैं, कुछ ही आ रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं। और जब तक ये काम तब तक ठीक था, जैसे जयपुर फ्लाइट लैंड कर रही थी वहाँ का वहीं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था। लेकिन होता क्या, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि बहुत सारे लोग घर आने के चक्कर में दूसरे स्टेटों से फ्लाइट ले लेते हैं। अभी दिल्ली राजस्थान में तो गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती फ्लाइट की, तो लोग क्या करते हैं फिर दिल्ली का सहारा लेते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल फ्लाइट भाई ओपन है, वहाँ तो बैन होगा तो फिर तो काम नहीं चलेगा। 80% फ्लाइट है आज के टाइम में दिल्ली आ रही है, ठीक है। तो राजस्थान के बंदे दिल्ली उतरे फ्लाइट में, बता दूं गुरुवार की बात है, अखबार में है, साथ में ऐड कर दूं, आप देखते रहिए। 13 बंदे मात्र थे और उनकी मतलब हालात खराब हो जाते हैं, नो डाउट, क्योंकि थोड़े से बंदे होते हैं भाई, कौन ध्यान रखता है। सरकार तो अपने बचाव में लगी हुई है, लोगों का कहां से, विदेश से आप आने वाले हो, आपका कौन ध्यान रखेगा, आप अपना खुद का ही ध्यान रखना पड़ेगा भाई। आगे पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई हम बात कर लेते हैं, दुबई से फ्लाइट पहुंची दिल्ली, गुरुवार का समय था। दिल्ली पहुंचने के बाद पहली बात तो उनको इजाजत नहीं दी गई, आप माथापच्ची करने के बाद उनको गुरुवार के दूसरे दिन, जी शुक्रवार को काफी माथापच्ची करने के बाद उनको रवाना किया गया। लेकिन इनका आरोप ये था कि और जितने भी स्टेटों के लोग आ रहे थे, यूपी, बिहार या फिर हिमाचल या फिर राजस्थान, कोई भी स्टेटों के लोग आ रहे थे, उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से सरकारी बसों में उनको अपने अपने स्टेट भेजा गया, जी हाँ। लेकिन राजस्थान के लोगों को साथियों खुद को अपना साधन, अपनी गाड़ी लेके आना पड़ा, जिनका खर्चा पड़ा 17,000 रुपये, जी हाँ, 13 लोग थे, 17,000 खर्च करके ये सीकर पहुंच गए, जी हाँ, जयपुर नहीं पहुंचे, सीकर पहुंच गए। सीकर पहुंचने के बाद भी इनके हालात खराब थे, क्योंकि आगे प्रशासन नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, आगे से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, तो सीकर आने के बाद कहाँ जाए, अब ये घर भी नहीं जा सकते, साथ में पुलिस के जवान थे इनके साथ 2-3 जो भी हैं, उनको वहाँ से इजाज़त दी, वरना तो ये घर निकल जाए, इधर उधर हो जाए, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना, फिर तो 2-3 कांस्टेबल को ये साथ में भेज देते हैं। सीकर पहुँच गए, बस अड्डे पर आ गए, आगे कोई कुछ नहीं, क्या करें, कहाँ जाएँ। फिर वो जो जवान पुलिस कहे थे, उन्होंने एयरपोर्ट यहाँ, क्योंकि वो तो दिल्ली के थे, यहाँ जानते नहीं किसी को, तो उन्होंने दिल्ली संपर्क किया एयरपोर्ट ऑफिस में, एयरपोर्ट में अधिकारियों को बताया कि हम यहाँ खड़े हैं, हमारे यहाँ कोई आगे पीछे कोई जानकारी लेने वाला नहीं है। तो उन्होंने फिर सीकर प्रशासन से बात करी, फिर उन्होंने वो बस डिपो पहुँचे, पहुँच के पास में आपको पता है सीकर में बस होटल हैं कि जाओ वहाँ पे होटल, उनको पता था होटल में डाल देंगे, अपने आप खर्चा वहन करेंगे। इन्होंने हल्ला कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, खाने को होटल में कहाँ से रहेंगे 7 दिन के लिए। फिर उन्होंने निजी स्कूल में क्वारंटाइन किया, क्योंकि स्कूलें तो बंद हैं, तो सरकार के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि भाई होटलों में जाने की ज़रूरत क्या है, निजी होटलों में, निजी स्कूलों में उनको डाल दिया, तो वो अपने खर्चे पे बैठे हैं। वीडियो भी आया था मेरे पास, वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो भाई ये स्थिति है, एक ही फ्लाइट में 150 लोग आते हो, राजस्थान वालों को बस का किराया देके खुद के स्तर पे आना पड़ता है, बाकी ये अपने मुंह से बोल रहे थे कि और स्टेटों के थे वो अपना किराया देके गए थे। और ये न्यूज़ तो भाई काफ़ी टाइम से आ रहा है, मैं 5-6 वीडियो बना चुका हूँ कि दिल्ली आप उतरोगे खर्चा आपका लगेगा, दूसरे स्टेट वालों का खर्चा वो सरकार दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति आप लोगों की, राजस्थान वालों की है, सरकार की तरफ से कोई ध्यान आप लोगों पर नहीं दिया जा रहा है। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी भाई, दिल्ली आने वाले थोड़ा ध्यान रखें, खुद का एक्स्ट्रा खर्चा लेके आए ताकि वहाँ से बस किराया लेके आपको इंडिया राजस्थान आना पड़े तो आप आराम से आ सको। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।